पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के आज चुनाव परिणाम आ रहे हैं और सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू हो चुका है। इन सब के बीच पहले राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है और अब तक जो रुझानों में संकेत आए हैं उसकी ओर अगर हम जाएं तो रुपौली में इस बार एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड का तीर निशाने पर लगता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल ने रुझानों में अपनी बढ़त बना ली है और पहले राउंड की जो गिनती समाप्त हुई है उसके बाद अगर हम उन पर नतीजों पर जाएं तो जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसके अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद जनता दल यूनाइटेड के कालाधर प्रसाद मंडल ने कुल 6588 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हैं जिन्होंने 4155 वोट हासिल किए हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती फिलहाल तीसरे नंबर पर है और उन्होंने केवल 2359 वोट पहले राउंड की गिनती के बाद हासिल की है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के कालाधर मंडल फिलहाल 2433 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके मुकाबले दूसरे नंबर पर निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में पूर्व विधायक शंकर सिंह हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, जबकि बीमा भारती जिन्होंने वर्ष 2020 का लोक विधानसभा का चुनाव जीता था और उसके बाद इसी वर्ष उन्होंने अचानक से जदयू छोड़ दिया और अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया और इसी वजह से रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, तो इस यहाँ पर बीमा भारती एक बार फिर से पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं और वो तीसरे नंबर पर चली गई हैं। अगर आप याद करें तो बीमा भारती ने जब पूर्णिया में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे तो उस चुनाव में भी उन्होंने राजद प्रत्याशी के तौर पे किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहाँ उन्हें बड़ा झटका लगा था और निर्दलीय पप्पू यादव ने पूर्णिया में जीत हासिल की थी और वहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे जबकि बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो रुपौली में भी एक बार फिर से कुछ वैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है और जो अभी शुरुआती राउंड की गिनती खत्म हुई है तो पहले राउंड की गिनती के बाद जो सामने आए हैं आंकड़े उसके अनुसार कालाधर मंडल जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यानी कि पूर्व विधायक शंकर सिंह के मुकाबले 2400 वोटों से ज्यादा की बढ़त हासिल कर ली है और कुल जो रुपौली में ये चुनाव हो रहा है मतगणना का दौर शुरू हुआ है उसमें 12 राउंड की गिनती होनी है। कुल 28 टेबल बनाए गए हैं यानी कि 14-14 टेबल दो हॉल में लगाए गए हैं और दोनों जगहों पर कुल 28 टेबलों पर सुबह 8 बजे से मतगणना का शुरू हुआ है। 12 राउंड की गिनती चलेगी, पहले राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, तो तमाम राउंड की गिनतियों के बाद क्या क्या जो और आगे परिणाम आगे की ओर बढ़ता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर हम छोड़े जा रहे हैं कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो आज आ रहे हैं उसमें पहले राउंड की गिनती के बाद जनता दल यूनाइटेड के कालाधर मंडल 2433 वोटों की लीड ले चुके हैं।